सो ही गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे पोकेमॉन फायर रेड गेम में अनलिमिटेड रेयर कैंडीज को ले सकते हैं। सो गाइस, हम इसके लिए एक चीट कोड का यूज करेंगे, तो उस चीट कोड को मैं आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करके दे दूंगा, तो आप वहां से उसको कॉपी करके भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, हमको यहां पर चीट कोड के साथ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो गैस आप रेयर कैंडीज को नहीं ले पाओगे। फिर आप कमेंट में बोलोगे कि ये वीडियो फेक है, तो गैस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इससे पहले की जो वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे अनलिमिटेड मास्टर बॉल्स को ले सकते हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले चीट कोड दिखा देता हूँ। सो गाइस, हमको यहाँ पर जो चीट नेम है इस पर गाइस आपको टाइप करना है रेयर कैंडी कोड। उसके बाद गाइज, हमारा जो यहाँ पर कोड टाइप है वो है कोड ब्रेकर। उसके बाद गाइज, ये जो कोड है ये मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको कॉपी भी कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ से सिंपली सेव कर देना है और गाइज इस कोड को आपको इनेबल रखना है। और गाइज, इसके बाद आपको पोकेमॉन सेंटर के अंदर आ जाना है। उसके बाद गाइज, आपको इस चीट को यहाँ से डिसेबल कर देना है। फिर गाइज, यहाँ पर जो कंप्यूटर है गाइज, आपको इसको स्टार्ट करना है। अब गाइस, आप यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस गेम में जो भी आपने अपना नाम एंटर किया है, आपको वो पीसी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इस गेम में मैंने अपना नाम हनी दिया था, तो मैं हनी इस पीसी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस, आपको इस पीसी को स्टार्ट करना है। उसके बाद गाइस, आपको जाना है आइटम स्टोरेज में, फिर आपको जाना है विड्रॉ आइटम में। उसके बाद गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस, सबसे टॉप पर रेयर कैंडी इनटू जो वन लिखा हुआ है गाइस, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, आपको ए के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है विड्रॉ पर। तो गाइस, हमारे यहाँ पर एक एंट्री विड्रॉ हुई। गाइस, आपको फिर से ए के बटन पर क्लिक करना है। फिर से गाइस, आपको विड्रॉ करना है। सो गाइस, हमारे यहाँ पर एक फिर से एक एंट्री विड्रॉ हुई है। फिर से गाइस, आपको ए के बटन पर क्लिक करना है। अब फिर से विड्रॉ। अब गाइस, आप यहाँ से जितनी चाहें उतनी आप रेयर कैंडीज का विड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर 401 कैंडीज को विड्रॉ कर लेता हूँ। और गाइस, विड्रॉ 401 रेयर कैंडीज। उसके बाद गाइस, आपको ओके कर देना है। सो गाइस, अब मैं आपको यहां से बैक आकर दिखा देता हूं कि हमको रेयर कैंडीज मिली हैं या नहीं। सो गाइस, मैं आपको यहां पर बैग में जाकर दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, ये देखिए गाइस, रेयर कैंडीज इंटू 403। तो गाइस, हमने यहां पर जो दो कैंडीज हमने अलग से विड्रॉ की थी वो थी, और 401 हमने एक साथ की थी। तो गाइस, हमको यहाँ पर टोटल 403 रेयर कैंडीज मिल गई हैं। तो गाइस, आप इस तरह जितनी चाहे गाइस आप उतनी रेयर कैंडीज को विड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइस, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।